भारतीय फोर्सेज ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को घर में नजरबंद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ APC बुलाने का ऐलान किया था। APC में भारतीय अजायम को उजागर किया जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को घर में नजरबंद कर दिया है। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की सूरत हाल पर APC तलब की थी, लेकिन भारतीय फौज किसी होटल में APC करने की इजाजत नहीं दे रही थी। होटल में APC की इजाजत न मिलने पर इजलास महबूबा मुफ्ती के घर पर होगा। APC में हुर्रियत रहनुमा और कश्मीर की तमाम जमातें शिरकत करेंगी। बताया गया है कि APC में भारतीय फौज की इजाफी तैनाती और कशीदगी पर भी बातचीत की जाएगी। इससे कबल भी महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय हुकूमत से सवाल किया कि भारत कश्मीर में जानबूझकर बदमनी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों के एहसास तहफ्फुज़ और रिलीफ को नज़रअंदाज न करे, जिस पर कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का भारतीय योम आज़ादी पर योम सियाह मनाने का ऐलान किया गया था। कश्मीरी और सिख रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि भारतीय योम आज़ादी पर भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कश्मीर और सिख रहनुमाओं ने कहा कि सिख कम्युनिटी 15 अगस्त को आज़ाद रियासत खालिस्तान का परचम भारतीय हाई कमीशन के बाहर लहराएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों पर क्लस्टर बमों का हमला के जिम्मेदार भारतीय दहशतगर्द और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं।